बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलामुअलैकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं, जिनको बाबा अंग्रेज़ी के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर के नोट्स का और लेक्चर का आगाज़ कर दिया है, ताकि हमारे बच्चे जो फर्स्ट ईयर के हैं और सेकेंड ईयर के हैं वो भी अंग्रेज़ी को सीख सकें। हम अपने क्वेश्चन के आंसर में वो टेक्निक बता रहे होते हैं जिनको अगर स्टूडेंट कंट्रोल में कर ले, मतलब सीख ले, तो वो हर टॉपिक पर खुद ही लिखना शुरू कर सकते हैं। हमारी कोशिश ये है, क्योंकि ये बेस है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, ये बच्चे अगर अंग्रेज़ी को सीख लेंगे तो उनको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा, वो बच्चे जो FSC के होते हैं उनके जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं वो भी सारे अंग्रेज़ी में होते हैं, तो उनको वो सब्जेक्ट जो अंग्रेज़ी में होते हैं वो रटा लगाते हैं। अगर वो फिर कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो वो अपनी वर्डिंग में उनके आंसर दे सकते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे जो बच्चे हैं इस अंग्रेज़ी की वजह से बाकी सब्जेक्ट को भी वो कंट्रोल कर सकें और रट्टे से वो बच सकें, चूँकि रट्टा कभी कोई बेनिफिट नहीं देता प्रैक्टिकल लाइफ में। अब देखें, हमारा जो आज का जो फर्स्ट ईयर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 है, और हमारी कोशिश ये है, नोट्स भी हम बना रहे हैं, प्लस हमारी कोशिश है जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की आंसर है वही आपके सामने लाएं। और आज की जो हमारी तीसरी जो स्टोरी है फर्स्ट ईयर की, व्हाई डिड हरी वांट टू गो बैक टू द अर्थ। कहानी का नाम पहले हम आपको बता दें, डार्क दे वर एंड गोल्डन आइड, उनके रंग सया और आंखें सुनहरी। तो ये जो है कहानी का नाम है। अब पहला जो इसका क्वेश्चन है, व्हाई डिड हरी वांट टू गो बैक टू द अर्थ, हरी जमीन पर वापस क्यों जाना चाहता था। पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है, तो हमने बताया था तर्जमा कैसे करते हैं। ये देखें, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को पकड़ा है, सब्जेक्ट के बाद हमने जो है एंड से चलेंगे, और उसके बाद फिर रिवर्स गियर लगाएंगे, पीछे को आते जाएंगे। देखें, हरी अब जमीन की तरफ वापस क्यों जाना चाहता था। आप इसमें जो टेक्निकल पॉइंट जो है वो ध्यान में रखने हैं, हरी क्यों चाहता था। ये यहां पर इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, हरी क्यों चाहता था, पास लेफ्ट का फिक्र है, व्हाई डिड हरी वांट, हरी क्यों चाहता था। अब इसका जो दूसरा फिक्र है कि वो जमीन पर वापस जाए, हरी क्यों चाहता था कि वो जमीन पर वापस जाए। अगर किसी फिक्र के दो हिस्से हों और फिक्र के दोनों हिस्सों के सब्जेक्ट सेम हों, तो दूसरे हिस्से के सब्जेक्ट की जगह हम हमेशा टू लगाते हैं, और टू के बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये जो टू है ये सेकेंड सब्जेक्ट को शो कर रहा है, ये टू जो है सब्जेक्ट को शो कर रहा है, ये जो टू चाह रहा है ये प्रोपोजिशन को शो कर रहा है। गो के साथ हमेशा आती है प्रोपोजिशन टू, ये भी ध्यान में रखना है। ये टू किसको शो कर रहा है, सब्जेक्ट को, और ये प्रोपोजिशन को। गो के बाद हमेशा प्रोपोजिशन टू आती है। अब देखें, हरी क्यों चाहता था, व्हाई डिड हरी वांट, हरी क्यों चाहता था कि वो कौन है हरी, कि वो जमीन की तरफ वापस जाए, कि वो जमीन की तरफ वापस जाए। अब के वो वापस जाए, के वो टू गो बैक, के वो वापस जाए जमीन की तरफ। अब टू प्रोपोजिशन आएगी गो के बाद, टू द अर्थ, हरी क्यों चाहता था पहला हिस्सा, दूसरे में कि वो जमीन की तरफ वापस जाए, ठीक हो गया, टू गो बैक के वापस जाए, टू द अर्थ जमीन की तरफ। ये क्वेश्चन का आंसर था, आंसर को भी आंसर क्वेश्चन का जो तर्जमा है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखें, हरी वांटेड, हरी चाहता था, पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, हरी चाहता था, हरी वांटेड। अब दूसरा हिस्सा, टू गो बैक टू द अर्थ, कि वो जमीन की तरफ वापस जाए। फिर देखें, पहला हिस्सा यहां तक खत्म हो रहा है वांटेड, दूसरे हिस्से में सब्जेक्ट फिर वही आ रहा है, और सब्जेक्ट को की जगह कौन ले रहा है, टू, हरी चाहता था, क्या चाहता था, कि वो जमीन की तरफ वापस जाए। अब के वो की नहीं होगी, टू के फॉर्म बार वर्क की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, टू गो बैक कि वो वापस जाए जमीन की तरफ। ये जो टू है प्रपोजिशन है, गो के बाद हमेशा आएगी प्रपोजिशन टू द अर्थ, टू गो बैक टू द अर्थ के वो जमीन की तरफ वापस जाए। नेक्स्ट देखें, बिकॉज का मतलब होगा क्योंकि, बिकॉज क्योंकि द मार्टियन क्लाइमेट वॉज चेंज एंड
चेंजिंग देम ऑल। अब क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ तक जो है ईसा पास का सादा विग्रह है, क्योंकि मार्टियन मतलब मरीख की आबो हवा स्ट्रेंज अजीबो गरीब थी, सादा विग्रह माजी का बिकॉज द मार्टियन क्लाइमेट वॉज स्ट्रेंज, क्योंकि मरीख की आबो हवा क्लाइमेट कहते हैं आबो हवा को, आबो हवा अजीब थी। अब उसके बाद सेकंड पार्ट, और उन सब को बदल रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब एंड से पहले चूंकि वाज आ गया, दोबारा फिर वाज हम नहीं लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी के साथ एंड से पहले अगर कोई चीज रिपीट होती है दोबारा वो रिपीट नहीं करते। एंड चेंजिंग देम, और उन्हें बदल रही थी, ऑल उन सबको बदल रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूस का फिक्र है, ये पास्ट का साधा, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट देखें, मोर अवर मजीद ये के सम मिस्टीरियस फीलिंग डोमिनेटेड हिज माइंड। मोर अवर मजीद ये के पास इंडेफिनिट का फिक्र है, कुछ मिस्टीरियस फीलिंग पूरी शरार फीलिंग जज्बात एहसास जज्बात कुछ पूरी शरार जज्बात ने, ये सब्जेक्ट बन गया, डोमिनेट होता है गालिबाना, गालिबाना कंट्रोल करना, डोमिनेटेड हिज माइंड उसके जहन पर गालिब आ गए, कुछ पुरस्कार जज्बात उसके जहन पर गालिब आ गए। ये पूरा सब्जेक्ट है, ये वर्ब और ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट फिर वर्ब एंड पे लाते हैं, कुछ पुरस्कार जज्बात उसके जहन पर गालिब आ गए। अब उर्दू में पर आ रहा मगर पर की हम अंग्रेजी नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, मैंने पहले भी बताया था जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ जाते हैं तो दरमियान में कभी कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होती। उसके बाद एंड ही डिसाइडेड टू गो बैक टू द अर्थ, और उसने फैसला किया, पास इंडेफिनिट एंड ही डिसाइड फैसला, ही डिसाइडेड उसने फैसला किया टू गो बैक टू द अर्थ के वो जमीन की तरफ वापस चला जाएगा। अब के वो किनिश होगी टू, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ही डिसाइडेड उसने फैसला किया कि वो टू गो बैक कि वो वापस चला जाएगा जमीन की तरफ टू द अर्थ। उसके बाद नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट क्लाइमेट डिड दे फेस ऑन द मार्स, किस किस्म की कौन सी आबोहवा थी जिसने जिसने मरीख पर जिसका मरीख पर सामना किया, व्हाट क्लाइमेट डिड दे फेस ऑन द मार्स, मरीख पर उन्होंने किस तरह की आबोहवा का सामना किया, पास इंडेफिनिट का फिक्र है, मरीख पर उन्होंने किस तरह की आबोहवा का सामना किया। तो मैंने कहा था फिक्र हमेशा वर्ब पे ख़त्म होता है, तो वर्ब हमेशा एंड पे आएगा जब तर्जमा करते हैं। अब देखना है किस तरह की आबोहवा का सामना किया मरीख पर। अब जवाब में दे फेस्ड, पास इंडेफिनिट दे फेस्ड उन्होंने सामना किया, पास इंडेफिनिट का फिक्र है। अब तीन चीज़ें ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रही हैं, डेंजरस क्लाइमेट, और उसके बाद खतरनाक आबो हवा का सामना किया, हार्श विंड सख्त हवा का, एंड सीवियर हीट और शदीद गर्मी का ऑन द मार। जब हम तर्जमा करेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद एंड से फिक्रा शुरू करेंगे, फिर पीछे को आते जाएंगे और वर्ब पे फिक्रा ख़त्म करेंगे। पास इंडेफिनिट का फिक्र है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट देखें, उन्होंने मरीख पर, अब यहाँ पर फिर टेक्निकल पॉइंट आ गया, मरीख पर अगर किसी फिक्र के तीन ऑब्जेक्ट हों चार हों तो और से जो पहला होता है ऑब्जेक्ट उसको शुरू करते हैं तर्जमे में, तो और से पहले कौन सा ऑब्जेक्ट है, डेंजरस क्लाइमेट, फिर इसको फिर इसके बाद लाएंगे और के बाद वर्ग को। फिर देखें, उन्होंने मरीख पर खतरनाक आबोहवा सख्त हवा और सख्त गर्मी सीवियर हीट नाकाबले बर्दाश्त गर्मी सख्त गर्मी का सामना किया, फिक्रे का इस्तेमाल कर कहाँ से कहाँ पे करेंगे वर्ब पे, सामना किया पास इंडेफिनिट।
नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द एडवाइस हरी गेव टू द पीपल। पास का यहाँ तक पास का सादा फिक्र है, किस तरह की कौन सी नसीहत थी जो हरी ने लोगों को की। अब सम टाइम ऐसा फिक्र होता है जो का लफ्ज आ जाए तो मगर सब्जेक्ट से पहले जो ना भी लगाएं तो सब्जेक्ट जो को भी कवर करेगा, जैसे कि ये आपके सामने फिक्र है। व्हाट वाज द एडवाइस, वो क्या नसीहत थी, वो क्या नसीहत थी जो हरी ने लोगों को दी। अब यहाँ पर दूसरे में जो, जो के लिए जो की इंग्लिश नहीं होगी, हरी जो को कवर करेगा। हरी गेव, पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है, हरी गेव जो हरी ने दी लोगों को की अंग्रेजी हमेशा टू होती है, लोगों को टू द पीपल। यहाँ पर टू जो है को का तस्मा दे रहा है, लोगों को टू द पीपल प्रपोजिशन के तौर पे आ रहा है। लोगों को क्या नसीहत थी जो हरी ने लोगों को दी। अब इसका आंसर, ही एडवाइज द पीपल, यहाँ तक आपका पास इंडेफिनिट क्लियर हो गया। ही एडवाइज द पीपल, उसने लोगों को नसीहत की। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब, उसने लोगों को नसीहत की। क्या नसीहत की, के वो, ये सेकंड पार्ट, के वो की इंग्लिश होगी टू। अब यहाँ पर टू किसकी नुमाइंदगी कर रहा है, लोगों की। अब ये भी ध्यान में रखें, ऊपर आपने देखा होगा टू जो था सब्जेक्ट की नुमाइंदगी कर रहा था, इस फिक्र में टू ऑब्जेक्ट की नुमाइंदगी कर रहा है। तो यहाँ पर पीपल ऑब्जेक्ट है, ही एडवाइज द पीपल, उसने लोगों को नसीहत की के वो, कि वो की नहीं होगी टू। टू किसकी नुमाइंदगी कर रहा है, पीपल लोगों की। टू बिल्ड अ न्यू रॉकेट, कि वो एक नया रॉकेट बनाए, कि वो एक नया रॉकेट बनाए, किस लिए बनाए। अब टू गो बैक टू द अर्थ, जमीन पर वापस जाने के लिए। ये देखें यहाँ पर जो टू है, ये टू किसकी नुमाइंदगी कर रहा है, इन्फिनिटिव वर्ब की। जब किसी भी वर्ब में के लिए का लफ्ज आ जाए, के लिए का लफ्ज आ जाए, तो के लिए हम यूज़ करेंगे टू। टू के फॉर्म पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब ये देखें, टू गो बैक टू द अर्थ, फिर देखें उसने लोगों को नसीहत की कि वो एक नया रॉकेट बनाए। टू गो बैक टू द अर्थ, अब फिर मैं दोबारा करता हूँ, उसने लोगों को नसीहत की कि वो ज़मीन पर वापस जाने के लिए एक नया रॉकेट बनाए, कि वो ज़मीन पर वापस जाने के लिए। अब देखें पर की इंग्लिश यहाँ पर टू आ रही, क्यों आ रही, मैंने ऊपर भी बताया था गो के साथ हमेशा आएगी प्रॉब्लम। टू ज़मीन पर वापस जाने के लिए, उसमें पर आ, ज़मीन पर वापस जाने के लिए, यहाँ पर टू के लिए क्या दे रहा है, ज़मीन पर वापस जाने के लिए एक नया रॉकेट बनाए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बिटरिंग फैमिली ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ वार ऑन द अर्थ। ज़मीन पर जंग की खबर सुनने पर बिटरी ख़ानदान की क्या हालत थी, बिटरी ख़ानदान की क्या हालत थी। आपने देखा तर्जमे में एंड से फिर हम शुरू की तरफ आएंगे। उसके बाद देखें, दे वर कन्फ्यूज एंड एस्टोनिश्ड, वो घबराए हुए थे, पास में था पैसे वो घबराए हुए थे और परेशान थे। पैसे वैसे में जा रहा फिकरा, वो घबराए हुए थे और परेशान थे। ऐड क्यों आया, एस्टोनी के साथ हमेशा आएगी प्रोपोजिशन ऐड, ऐड के बाद जब भी वर्ब आई एन जी का